एसडीएम ने रखी अनुश्रवण समिति की बैठक, विभागीय अधिकारी रहे शामिल। बिहार प्रभारी मोहम्मद रहमतुल्ला की रिपोर्ट। मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय स्थित एसडीएम कार्यालय में एसडीएम ने विभागीय अधिकारियों के साथ अनुश्रवण समिति की बैठक कर दिशा निर्देश देने की है। एसडीएम एसजेड हसन ने गैस वितरकों व बिजली विभाग के जेई एमओएजीएम ठेकेदार के साथ बैठक की। बैठक में एसडीएम ने सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गैसों की होम डिलीवरी योजनाओं का प्रचार प्रसार, गैसों के उपयोग में सुरक्षा मानकों का पालन आदि बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की। एसडीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अधिकांश लाभुक ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोग हैं, जो ईंधन का उपयोग ठीक से करना नहीं जानते हैं। इसलिए लाभुकों को सुरक्षा के उपाय एवं गैस ईंधन का उपयोग आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। होटलों में कॉमर्शियल कनेक्शन दिया जाए। वहीं उन्होंने बताया कि गैस की एजेंसियों के द्वारा होम डिलीवरी में निर्धारित निःशुल्क तय है। अगर कोई भी गैस एजेंसी वाला लाभुकों से अधिक रुपया लेगा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गैस एजेंसी की बैठक के बाद एसडीएम ने बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ समीक्षा भी की। उस दौरान जेई पंकज कुमार को बताया कि अगर काम में लापरवाही की तो विभागीय कार्रवाई के लिए तैयार रहें। बिजली विभाग के प्रति लोगों की बहुत सी शिकायतें आती हैं, जिसमें बिजली के बिल, मीटर तथा अन्य समस्याएं लेकर लोग विभाग के कार्यालय में पहुँचते हैं, लेकिन कई बार अधिकारी और कर्मचारी लापरवाही बरत देते हैं। अगर कोई भी लापरवाही काम के प्रति की गई तो वह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही करने वाले अधिकारी व कर्मचारी अपने विभागीय कार्यवाही के लिए तैयार रहें। उन्होंने बिजली विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित किया कि मीटर से संबंधित समस्याओं का तुरंत समाधान करें, जिसके लिए लोग कार्यालय के चक्कर काटते रहते हैं। अन्य सभी अनुश्रवण समिति सदस्यों के बीच कई बिंदुओं पर विचार विमर्श करते हुए कई निर्देश भी दिए गए। मौके पर एमओ छातापुर संतोष कुमार, एमओ त्रिवेणीगंज शुभम कुमार, एजीएम जफर इकबाल, शत्रुघ्न चौधरी, बसंत कुमार, राजीव कुमार सहित दर्जनों मौजूद थे। आज हम लोग साल के अंतिम में आपूर्ति अनुश्रवण की बैठक की है। सभी सम्मानित सदस्यों को बुलाया गया, सभी लोगों को विचार किया गया। जो अभी हम लोग का पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके साथ गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एयर डिस्ट्रीब्यूशन, बिजली उपभोक्ता, सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई और जो आवश्यक निर्देश हैं वो आवश्यक निर्देश दिए। क्या नाम हुआ? बजरंगी यादव। कहाँ घर है? त्रिवेणीगंज। त्रिवेणीगंज अभी आप कहाँ आए हैं? खाद लेने। कहाँ पर? बिस्कोमान। क्या बजे से लेन में? रात 10 बजे से। रात 10 बजे से है? अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी 6 बजे। कल रात 10 बजे से लेन में, अभी शाम 7 हो रहा है, अभी तक नहीं हुआ खाद? नहीं हुआ है। हम तो 10 बजे का खाद बटाई नहीं चल रहा है यहाँ। धीरे धीरे होता है। कितने दिन से लाइन लग रहा है? 3 दिन से लाइन लग रहा है। 3 दिन से? इससे पहले ठीक मिलता था खाद? इससे पहले भी वैसे ही ठलम ठला, पहले भी मतलब भीड़े था। 8 रोज से 2 महीना से लग रहा है। कुसुम साहब कहाँ घर है? ततवा। चनगा ततवा। वार्ड नंबर 10। अभी कहाँ है आप? बिस्कोमान आया है खाद लेने के लिए। बिस्कोमान। बिस्कोमान में आया है। कितने बजे से लाइन में? कल 10 बजे से। रात 10 बजे से। अभी कितना समय हो रहा है? कल रात 10 बजे से लाइन में, अभी तक खाद नहीं हुआ है? ऐसा क्या है? जो आगे आता है पीछे वाले खाद ले लेता है, साथ में पैसे ले लेता है। यहाँ नंबर सिस्टम में चलता है? वही नंबर शुरू हो जाता है पूरा। प्रशासन का कमी है? प्रशासन है ना यहाँ पर, ड्यूटी पे तो है प्रशासन। कमी है, बहुत कमी है।